सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ जोल मॉडल की पबजी मोबाइल की सेटिंग्स, जो पबजी मोबाइल का गॉड है। तो उसकी सेटिंग्स यूज़ करके आपको भी काफ़ी इजी पड़ेगा गेम खेलने में, क्योंकि जिस हिसाब से फ्लिक्स मारता है या स्प्रे कंट्रोल करता है तो आप भी उस हिसाब से कर पाएंगे। और ये बिल्कुल लेटेस्ट सेटिंग्स उसने अभी 2 या 3 दिन पहले अपने स्ट्रीम पर दिखाई हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आप इनको मिस मत करिए, वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि अगर वीडियो हल्की सी मिस हो गई तो आपकी सेंसिटिविटी बिगड़ सकती है और आपकी और ज़्यादा ख़राब हो सकती है सेंसिटिविटी। तो ये सेंसिटिविटी मैं आपको दिखाऊंगा जो बिल्कुल सॉल्व मॉडल की है, आपको थोड़ी बहुत अपने हिसाब से कर लेनी है एडजस्ट, जिसमें आपको अगर दिक्कत ना हो, क्योंकि फ़ोन वोन पे डिपेंड करता है टच के हिसाब से। तो बढ़ते हैं वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले आ जाना आपको अपने फ़ोन पे, फिर आपको जाना है पबजी की सेटिंग्स में, जो राइट कॉर्नर में आएगी। फिर आपको जाना है सेंसिटिविटी में, फिर आपको सेंसिटिविटी मैंने सेटिंग से पहले से ही कर दिया, जो सॉल्व मॉडल ने कर रखी है, क्योंकि इनको करने में काफ़ी टाइम लगता है धीरे धीरे। तो आपको बताया था कि क्या क्या सेटिंग्स है। सबसे पहले कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक, तो इसको आपको कर देना है 3rd पर्सन को 300%, और कैमरा को कर देना है 300%, और 1st पर्सन को कर देना है 300%। मतलब तीनों को आपको 300% कर देना है। तो अब इसे करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे कैमरा, जिसमें लिखा ऑल द इफेक्ट ऑफ द कैमरा व्हेन द स्क्रीन इज स्वाइप विदाउट फायरिंग। तो ये आपकी सेटिंग है, सेकेंड वाली सेटिंग है। तो उसमें वो कर लेना 3rd पर्सन नो स्कोप को 100% पे, 1st पर्सन नो स्कोप को कर लेना आपको 88% पे, रेड डॉट होलोग्राफिक और एम असिस्ट वाली जो एक ही सेटिंग है उसे कर लेना आपको 50% पे, फिर 2x वाली सेटिंग को आपको कर लेना है 30% पे, फिर 3x स्कोप वाली को कर लेना आपको 22% पे, फिर आना है 4x वाले स्कोप को आपको कर लेना है 14% पे, ये VSS के लिए भी लेता है तो 14% आपका रहेगा, और फिर 6x वाले को कर लेना आपको 12%, और 8x वाले को कर लेना आपको 10%। तो एक भी सेंसिटिविटी को आप मिस करेंगे तो आपका वीडियो हो सकती है ख़राब, और सारी सेंसिटिविटी बिगड़ भी सकती है, क्योंकि एक सेंसिटिविटी बिगड़ जाती है तो आपका पूरा एम बिगड़ सकता है। तो कोई भी सेटिंग को मिस ना करिए, आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे हमारी ADS सेंसिटिविटी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो करना है 3rd पर्सन नो स्कोप में 100%, 1st पर्सन नो स्कोप में 88%, रेड डॉट होलोग्राफिक और AMS जो एक ही सेटिंग है उसे कर लेना 45%, 2x स्कोप कर लेना आपको 30%, तो फिर नीचे आ जाएंगे, आप आएंगे 3x स्कोप पे, 3x स्कोप में आपको कर लेना है 22%, 4x स्कोप AOS जो ये स्कोप उसमें VSS भी इंक्लूडेड है तो उसको आपको कर लेना है 14%, फिर आपको 6x स्कोप इसको आपको कर लेना है 11%, और फिर आपका 8x स्कोप इसको कर लेना है 10%। तो ये बहुत ईजी है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको सेटिंग करने। फिर जेड स्कोप अगर आप यूज़ करते हैं तो इस सेटिंग को करिए, वरना इन सेटिंग को यूज़ करने की छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप डिफॉल्ट पर रहती है तो बेस्ट रहता है। तो आपको जाना है जेड स्कोप में, तो सर्च की पहली सेटिंग है 3rd पर्सन नो स्कोप को कर लेना है आपको 300%, 1st पर्सन नो स्कोप को कर लेना है आपको 300%, रेड डॉट होलोग्राफिक AMS जो तीनों में एक ही है उसे कर लेना आपको 300%, फिर 2x स्कोप को आपको कर लेना है 300%, फिर आपका आएगा 3x स्कोप इसको आपको कर लेना है 200%, 4x और VSS जो एक ही ले लेंगे VSS अपने साथ तो आपको कर लेना है इसको 160%, फिर आपको कर लेना है 6x स्कोप को उसे कर लेना है 110%, फिर आपको कर लेना है 8x स्कोप जो है 59%। तो अभी ये सारी सेटिंग मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक, जो आप देख लीजिए 3rd पर्सन की इसकी सारी सेंसिटिविटी ये रही। फिर आपको नीचे आपको देख लेना, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो 2 मिनट होल्ड कर लेता हूँ, यहाँ से आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। फिर मैं एक बार नीचे कर लेता हूँ, अब यहाँ से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। फिर जेड स्कोप अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। फिर अगर आपको सेटिंग से पसंद आ रही है तो आपसे कर सकते हैं अपलोड टू क्लाउड, मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी सेंसिटिविटीज़ हैं, मैंने थोड़ी सी छेड़खानी करी हुई है, तो आप भी जाकर छेड़खानी कर सकते हो अपने एम के हिसाब से। तो कैसे लगे आपको सेटिंग्स तो बताइएगा कमेंट्स में। तो गाइस, कैसे लगे आपको ये सॉल मॉडल की सेटिंग्स जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, या आप यूज़ कर सकते हैं अपने गेम में तो आपको भी काफ़ी इजी पड़ेगा स्प्रे कंट्रोल या जो भी फ्लिक्स वगैरह मारते हैं। तो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और घंटे के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, वरना लेटेस्ट वीडियोज़ नहीं मिल पाएंगी। और कार्ड है मेरी ऊपर की पुरानी वीडियोज़ आ रही हैं, उनको भी सारी को देख लेना, क्योंकि वो सारी ट्रिक्स विक्स की वीडियोज़ हैं। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए, वहाँ पर मैं हैक्स वगैरह की वीडियो डालता रहता हूँ। तो बाय गाइस।